एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। दोपहर के बज चुके हैं और जैसे कि रोज हमारे साथ यही होता है, हम लेट सोते तो लेट उठते हैं। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद बहुत सारा काम है। मैं सोच रही हूँ कि लुधियाना और जलंधर तो हम नहीं जा पाए क्योंकि लेट हो गए थे, कल निकलेंगे सुबह सुबह। आज तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ का जो काम है ना, बैंगल सेरेमनी वाला जो काम है वो कर लेती हूँ। बैंगल्स वगैरह ले आती हूँ, घर की औरतें गिन लेती हूँ कितनी, उसके हिसाब से बैंगल्स लेके आनी। तो भाई यहाँ पर हमारी बेटी उठ गई है और तूबा का चेहरा अगर पालते चेहरे पे लगाई साथ में, ये लो सेम चेहरा, छोटा सा गोल सा प्यारा सा। और ये जो हमारा चीकू है, ये तो बड़ी फुटबॉल नहीं होती इसका चेहरा आपसे मिलता है। चीकू थोड़ा सा मीठा मीठा खाना बंद करते बेटा। एक बात बताऊं गुड्डू, वैसे जो मैंने चीज नोटिस करी है, जैसे आप वर्कआउट करते हो, डाइट पे कंट्रोल रखते हो, जीप पे कंट्रोल रखते हो, फिर भी आपका फेस थोड़ा बड़ा लगता है, ऐसे सेम चीकू है, होते हैं ऐसे फेस। तो भाई यहाँ पर आ गया है आप लेकर जूस, सुबह सुबह पीने से स्किन और बाल बहुत अच्छे होते हैं। आइस भी तो भाई यहीं से चेस। बाबू गोलू को ना सर में दर्द रहने लग गया बहुत ज्यादा ना, उसको एक बार हॉस्पिटल दिखा के MRI करवा के। बहुत खट्टा यार ये तो। तो आंवला है ना बेटा, खट्टा ही होता है। हाँ अच्छा, हाँ बहुत अच्छा होता है, ऐसे हम खा नहीं पाते ना। हाँ। ऐसे पी सकते हैं, पीने में तो पी जाएंगे। चीकू एक बार पी के देख, स्किन के लिए अच्छा होता है, पी के देख। खट्टा आधा पी ले, अभी इसको कोल्ड ड्रिंक दे दो, एक मिनट में गुड़ 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 पी जाएगा। तू तो पी के दिखा, तूने हमारे तो ड्रामे कर दिए खुद तो। ये लो। क्या बात है पायल, क्या बात है, बहुत कड़वा है। चुंदर बाबू, तीनों बुंदरू बुबू, ओए बुंदरू बुबू कहां जे, देख 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 गोलू ये अंदर आ जाएगा। पता क्यों कर रही है ऐसे? क्योंकि ब्रश की ब्रश गिर गई नीचे, इसको धो के दो। तो गोलू को भी हो चुका है कोल्ड और मैंने गोलू को धमकाया भी बहुत ज्यादा, मैंने कहा मास्क लगा ले अगर बच्चे बीमार हुए, तेरी खांसी इनको खांसी लगी। वैसे भी बच्चे थोड़ा थोड़ा कोल्ड में ना, कफ, तो कोल्ड देखो बच्चों की इम्यूनिटी ना वो होती है, गोलू कोल्ड कफ दोनों फैल जाते हैं। अब तू इनके सामने खांसेगी ना वो जम्स इनकी तरफ जाएंगे, इसलिए कह रही हूँ मास्क लगा ले। जो ड्रेस है ना मैंने ज़ारा से ली थी और सच में इसकी फिटिंग इतनी बॉडी हगिंग फिटिंग है इसकी, बहुत ही प्यारी फिटिंग है। ये मैंने कल पहनी थी, कल अरमान जी के साथ में गई थी। तो यहाँ पे जो है बच्चे तुबा और जैद इन दोनों ने खाई थी, अयान ने खा ली थी एप्पल की और नाशपाती की प्यूरी। और ये प्यूरी जो हम कैसे बनाते हैं मैं बता देती हूँ, आपको अपने बच्चों को देनी है, फ्रूट्स दोनों काटने हैं, आपको एक स्टीमर लेना है, स्टीमर के नीचे पानी रखना है, उसके ऊपर आपको ये रखना है और उसके ऊपर ढक्कन रखना है। आपको ये बॉईल नहीं करना, अगर आप बॉईल कर देंगे इसके सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आपको स्टीम करके मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लो और बच्चों को खिला दो, बहुत ही सिंपल। आ गए तुम, गुड मॉर्निंग पागल है, फोन कर लेते मुझे डिस्टर्ब क्यों कर, डिस्टर्ब क्यों करे सच्ची 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 आज नहीं जा रहे, कल चलेंगे, कल नहीं आएगा, कल भी आना पड़ेगा। चलो सेटअप कर लो, कैसे भी दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैं किचन को सेट कर लेती हूँ क्योंकि मेरा किचन जो है पूरा फैला फैला हुआ है, रात को रेसिपी बनाई थी तो बर्तन धुल के यहाँ रखे हुए हैं, सो गए। हाँ जी बच्चे, हाँ जी दीदी के साथ खेलो थोड़ी देर के लिए, खेलो ठीक है दीदी जहाँ पर। तो अरमान जी कार्डियो करने गए हैं तो मैंने सोचा सबसे पहले उनके लिए डाइट बना लेती हूँ, फिर मैं जो है दमालों की रेसिपी दूंगी। तो उनकी डाइट, मेरी डाइट और गोलू की डाइट मैं बना लेती हूँ क्योंकि हमें जाना बाहर, तो मैं सारी डाइट पैक भी कर लूंगी डब्बे में और बना भी दूंगी। सबसे पहले देखो किचन क्लीन करना होता है, उसके बाद किचन में खाना बनाना होता है। तो किचन क्या है, क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। ये तड़के के लिए चाहिए मुझे आज, और ये हम क्वांटिटी वाला लेके आए थे पर क्वांटिटी वाली अभी कोई ऐसी रेसिपी दी नहीं है मैंने, तो जब मैं दूंगी तब यूज करूंगी। तो गाइस अभी अभी वर्कआउट करके नीचे आ गया हूँ और नीचे आते देखता हूँ कि पायल ने कुछ जबरदस्ती तैयारी कर रखी है जी, आपकी और मेरी और गोलू की डाइट बना रही हूँ। तो गाइस बताना ये सेटअप आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और जिससे आपको रेगुलर डाइट मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा वही था कि आप लोग डाइट दो, क्या खाते हो क्या खाते हो, तो मैंने कहा डाइट दे देती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो रख लिए हैं, तो मैं बनाने वाली हूँ हाई प्रोटीन डाइट, साथ में फ्रूट्स, साथ में एवोकाडो का गार्लिक ब्रेड। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है हम लोग जब भी बाहर जाते हैं ना तो अपनी पूरी डाइट साथ में लेके जाते हैं, और आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अपनी डाइट दो डाइट दो डाइट दो। तो डेली आपको एक डाइट भी मिलेगी और एक अनहेल्दी डाइट भी मिलेगी, क्योंकि हमारे घर में और भी लोग हैं जो डाइट नहीं करते हैं, लाइक लक्ष्य वो डाइट नहीं करती है, लाइक सूरज भैया, लाइक सूरजिया, लाइक निकी, लाइक चीकू, लाइक शांति जो है डाइट नहीं करते हैं, पर हम लोग जो है डाइट करते हैं। तो मैं आज बनाने वाली हूँ हाई प्रोटीन डाइट जिसमें है पनीर और चने, उसके साथ मैं एक डाइट दूंगी जिसमें हम सारे फ्रूट्स खा लेंगे। देखो क्योंकि फ्रूट्स खाने
क्या था वही वाली बता दो सेम. अच्छा मैंने तो गाइज ज्यादा बोर नहीं करती हूँ, शुरू करती हूँ डाइट को. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है. मेरे पास है एप्पल, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी, दोनों अंगूर लाल और काले दोनों, साथ में अनार और साथ में इसको क्या कहते हैं ड्रैगन फ्रूट, वो तो मुझे पता है, ये ब्लूबेरी. ब्लूबेरी तो ये सारे मैंने यहाँ पे रखी है फ्रूट्स कट करके ऑलरेडी. और यहाँ पे मेरे पास है पनीर, पनीर जो है मेरा फैट फ्री है. साथ में मैंने स्प्राउट्स जो है रात को बॉईल करके रखे हुए थे तो उसी को मैं बनाऊंगी. और इसके साथ देखो मीठा भी बहुत ज़रूरी है तो मेरे पास यहाँ पे है खजूर और यहाँ पे है एवोकाडो. एवोकाडो का मैं देने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सा गार्लिक ब्रेड. और साथ में है दही, दही भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है. दही को रात में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, दिन में करना चाहिए. तो दिन की डाइट बन रही है तो इसमें दही भी है. तो सबसे पहले जो हम लोग डाइट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कर्ड वाली, क्योंकि ना फ्रूट्स को कट करे हुए 10 मिनट हो गए तो हम नहीं चाहते फ्रूट्स क्लैक पड़ जाए. ज़्यादा देर ना फ्रूट्स को कट करके नहीं रखना चाहिए. तो क्या करना है, जैसे कि पैनल ने बताया, जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल है घर में आप वो सारे कंज्यूम कर सकते हो. कोई भी फ्रूट जो आपका फेवरेट है, सीजनल फ्रूट्स भी डाल सकते हो जैसे ऑरेंज, कीवी, मैंगो. तो अभी हमने सारे फ्रूट्स डाल दिए बाउल में. और ये जो दही है मैंने ऑलरेडी फैटा हुआ है, फैटा हुआ दही आपको इसमें यूज़ करना है. एक कटोरी दही है और इसमें तीन लोगों की डाइट निकलेगी, मेरी, गोलू की और चिकू पापा की. तो बस कुछ नहीं करना आपको, इसे मिक्स करना है और हल्का सा अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर और वो डाल सकते हैं ब्लैक सॉल्ट. और इसके ऊपर एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए जैसे थोड़ा सा हेल्दी तो आप इस पर पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स और कोई भी जो सीड्स होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो भी आप ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो, ऊपर टॉपिंग बना सकते हो. तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डालने वाले हैं. तो कल ना रिसेंटली हम लोग अपने किचन के लिए सामान लेके आए हैं, जहाँ पर भी जाते हैं ना वहाँ पे कुछ ना कुछ सामान ढूंढते रहते हैं. तो कल मुझे ये जो डब्बा है ना बड़ा प्यारा लगा, ये ड्राई फ्रूट रखने के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ. उसमें रखूंगी काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, जो भी ड्राई फ्रूट आप रखना चाहो ताकि इजिली मुझे सामान मिल जाए. तो अब एक काम करते हैं, इसको फिल भी कर देती हूँ. तो अब इसमें जाएंगे थोड़े से पम्पकिन सीड्स और ये मस्क मेलन सीड्स. तो ये हमारी पहली डाइट जो है रेडी हो गई है. अब इससे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं. गार्निश करेंगे थोड़ा सा, इसमें डालेंगे हम अनार, इसमें भी डालेंगे अनार और थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हम इसमें वाटरमेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स. वाओ वेरी नाइस, कितनी अच्छी लग रही है. तो इसको हमने गार्निश करा है मार्टिनी ग्लास में, आप कोई भी ग्लास घर में यूज़ कर सकते हो. थोड़ा सा अच्छा लगता है ना खाने में भी, यमी लगता है अगर कोई चीज़ सामने अच्छी हो तो. तो जिनके लिए बना है उनको देके आते हैं क्योंकि वो जिम से काफ़ी देर पहले आए थे. तो ये है उनकी पहली मील. तो भाई बहुत मेहनत के बाद एक मजेदार सी डिश पायल ने बनाई है. और इस डिश का नाम क्या है? इसका ग्लास का नाम पता है मुझे, डिश का नहीं पता. ग्लास का नाम है मार्टिनी ग्लास और डिश का नाम है कर्ड विद ऑल फ्रूट. इस पे कोई नमक कोई कुछ नहीं है भाई, बहुत ही जबरदस्त है. अगर ये चीजें तुम रेगुलर खाते रहो तो तुम्हारी लाइफ मुझे लग रहा है 10-15 साल बढ़ जाएगी. हम गाइस क्या करते ना, कुछ लोग होते हैं जिनको दवाइयां खानी पसंद नहीं होती, मल्टीविटामिन वगैरह, तो हमारे घर के खाने में ही सारी चीजें होती है. तो अगर आप सही टाइम पे सही चीज खाओगे ना बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी. तो गाइस चीकू के पापा भी निकल रहे हैं चीकू को घुमाने फिराने, तो मैंने सोचा उनका जो है टिफिन पैक कर देते हैं क्योंकि बाहर से खाएंगे नहीं कुछ. तो मैं टिफिन में भी पैक कर रही हूँ उनके लिए पनीर और चने का सैलेड, साथ में मैं कर रही हूँ गार्लिक ब्रेड, घर पे ही मैं बना रही हूँ. और साथ में गार्लिक ब्रेड के लिए मैंने यहाँ पे चार जो लहसुन है वो रख लिए हैं, बटर रख लिया है और ये जो है स्वीट के लिए दूंगी साथ में. तो ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, फटाफट से शुरू कर देती हूँ क्योंकि वो रेडी हो चुके हैं, उन्हें निकलना है. तो करते हैं स्टार्ट लहसुन से. पहले मैं लहसुन को जो है कूट लेती हूँ. तो यहाँ पे मेरा जो लहसुन है वो अच्छे से मैंने पीस लिया है. अब जो है यहाँ पे छोटा पैन मैंने रखा हुआ है, इस पैन में हल्का सा बटर और इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी मैं. तो यहाँ पे मेरा पैन गर्म हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर क्योंकि ज़्यादा बटर नहीं दे सकती हनुमान जी को, इसलिए थोड़ा सा बटर जाएगा. और बटर को पूरे पैन में मैं ऐसे घुमा लूँगी. और यहाँ जो मेरा लहसुन है उस लहसुन को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि बटर गर्म हो गया है, तो इसमें बटर में मैं इसे ऐड कर देती हूँ. आपको जो है लहसुन को जलाना नहीं है, लाल नहीं करना है क्योंकि फिर लाल कर दोगे तो इसका टेस्ट थोड़ा जला जला सा आएगा. इसको हल्का सा ही आपको रोस्ट करना है. तो यहाँ मेरा लहसुन जो है ऑलरेडी रोस्ट हो गया है. अब मैं इस पैन को निकाल दूंगी, गैस बंद कर दूंगी. तो अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ हल्का सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालूंगी बस टेस्ट के लिए.
और कोई मसाला नहीं जाएगा, साथ में जाएगा ओरिगैनो। ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें नमक और काली मिर्ची, और ये डाल दिया मैंने ओरिगैनो। तो गार्लिक ब्रेड को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी एवोकाडो। एवोकाडो मैंने जो है एक लिया है पूरा। तीन चार ब्रेड बनाऊंगी मेरे लिए, गोलू के लिए और अरमान जी के लिए, तो एक पूरा लग जाएगा। और एवोकाडो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो मैंने बोला आधा काट के रखूंगी, वो फिर काला काला पड़ जाएगा, तो मैंने तीनों के लिए इसे बना दिया है। और ये वाला ब्रेड ना सच में इनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इन्होंने एवोकाडो ब्रेड तो खाया है पर गार्लिक ब्रेड के साथ एवोकाडो ये पहली बार खाएंगे। तो ये मेरा गार्लिक ब्रेड का जो है रेडी हो गया। अब मैं गार्लिक ब्रेड को जो है इसमें सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है नॉनस्टिक पैन, और पैन पे मैं हल्का सा नाम मात्र बटर लगा रही हूँ गार्लिक ब्रेड को सेकने के लिए। जब तक मेरी ये गार्लिक ब्रेड सेक रही है ना, तब तक मैं पनीर वाला जो सैलेड बनाने वाली हूँ ना, उसके लिए पनीर को चॉप कर लेती हूँ बारीक। तो यहाँ पे मैंने पनीर ऑलरेडी कट करके धो के यहाँ रखा हुआ है, बस ये चॉप करना है। यहाँ पे मेरी जो गार्लिक ब्रेड है ना वो पूरी सेक चुकी है, और बस मैं इस पर लगा रही हूँ एवोकाडो वाला पेस्ट जो मैंने बनाया अभी अभी। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप इसे लंच में पैक कर सकते हैं, जैसे मैं पैक कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो ये है हमारी सेकंड डाइट। सेकंड डाइट में क्या जा रहा है, येलो और रेड बेल पेपर्स, इनका हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ में जाएगा पनीर, उसके बाद जाएंगे बॉईल किए हुए अंकुरित चने। अब हमें कुछ नहीं करना, ये वाली जो सॉस है सैलेड सॉस है ये फैट फ्री है जो कि मैं लेके आई हूँ कल, तो ये इसमें ऐड करूँगी अरमान जी के लिए और हमारे लिए बस। फैट फ्री है, मेरे हिसाब से मैंने डाली है इसमें 1.5 चम्मच, और इसमें ऐड करूँगी मैं काला नमक और साथ में ब्लैक पेपर और ओरिगैनो फ्लेक्स बस। तो सेकंड डाइट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस इसको अच्छे से आपको वेल मिक्स करना है ताकि सभी चीज़ों पे जो है ये सॉस लग जाए और खाने में जो है ये टेस्टी लगे। देखो क्योंकि टेस्ट नहीं आएगा तो बंदा डाइट भी नहीं खा सकता, थोड़ा सा टेस्ट आएगा तभी बंदा डाइट को इंजॉय कर सकता है। तो ऐसी डाइट हर कोई बंदा खा सकता है भाई, मैं तो बहुत स्वाद से खाती हूँ, बहुत टेस्ट से खाती हूँ ये। तो ये सेकंड मील इनकी बन गई है, और इनका जो है यहाँ पे मैंने बैग लाई हूँ, डाइट नहीं हो पाएगा पर यहाँ पे डाइट होती होती है। तो यहाँ जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स और गार्लिक ब्रेड पैक कर दिए है, और साथ में मैं पैक करूँगी थोड़ा सा ये वाला सैलेड। तो ये हो गया इनका लंच पैक। तो ये जो जिम की डाइट है ना ये कोई भी खा सकता है, ऐसा नहीं कि आप लोग जिम करो तब भी खाओ, जिसको भी वेट लूज करना है तो आप ये डाइट ले सकते हो। तो ये डाइट मैं पैक करूँ रस्ते के लिए, क्योंकि आपको पता है घर में है शादी, तो मैं और पायल रोज बाहर जाते हैं मार्केट में, नहीं चाहते कि बाहर का खाना खाए, कि भाई यहाँ पे मेरी डाइट हो गई है पैक।